नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, मेरी जो अपडेट है वो एकदम सही निकल गई। जी दोस्तों, 25 तारीख को CBT मीटिंग तय हो चुकी है और उस CBT मीटिंग के अंदर आपको कितनी पेंशन देने का निर्णय लिया जाएगा और क्या आपको पेंशन 9,000 रुपये तक मिलेगी, इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दिया दे रहा है आपको, तो उसको क्लिक करें। जी दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। काफ़ी लोग हैं जो घंटे के आइकन को नहीं दबाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि घंटे के आइकन को जरूर दबाएं। मुझे पिछले वीडियो में कई सारी दुआएं मिली कि आपकी ये अपडेट सही हो जाए और आपकी ये खबर अगर सच्ची है तो आपकी हम लोगों की बहुत सारी आपको दुआएँ मिलेगी, बहुत सारा हमें आपको दुआ देंगे और धन्यवाद देंगे। तो दोस्तों, सरकार कुछ पलट देती है तो उसका मुझे कोई बरपता नहीं, लेकिन जो अपडेट आती है और मैं जो अपडेट देता हूँ वो 100% राइट होती है। अगर आप कहो तो मैं लिख के दे दूँ कि ये 100% राइट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अब CBT मीटिंग तय हो चुके, 25 तारीख को CBT मीटिंग तय करने की बात की गई थी। आज की अपडेट में ये बात कही गई थी कि 25 तारीख को CBT मीटिंग तय कर दी गई है और इस CBT मीटिंग में 3 बड़े निर्णय लिए जाएंगे। जी दोस्तों, 3 बड़े निर्णय क्या है? सबसे पहला निर्णय है कि डीए कितना प्रतिशत दिया जाए और 1 तारीख को ही दिया जाए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जो कर्मचारी है उनको सैलरी कितने रुपये दिए जाए, कितने रुपये की बढ़ोतरी की जाए और कितनी तारीख को की जाए, उसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। उसके बाद में तीसरी बड़ी अपडेट वो है जो कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन जो कितनी दी जाए, आंकड़ों के अनुसार दी जाए या फिर कितनी पेंशन उसको दी जाए, ये CBT मीटिंग में तय हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप इतने लंबे वीडियो बनाते हो, शॉर्ट जानकारी दे दीजिए, तो ये जानकारी शॉर्ट है। लेकिन मुझे पता है ये जानकारी शॉर्ट दे करके भी इतने सारे कमेंट आएंगे कि कितनी तारीख को क्या होगा, क्या नहीं होगा, वगैरह वगैरह। जो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुझे तो विश्वास हो चुका है कि जिस प्रकार मेरी जो अपडेट है मैंने आपको बताई थी कि इतनी तारीख को ये होगी, इतनी तारीख को ये होगी, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा तो आप यही बोलोगे कि हर बार ये क्या बता रहे हो, आप कुछ अलग बताओ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने पीछे कई वीडियो में बता दिया आपको तारीखें वगैरह, आंकड़े किस प्रकार जारी होंगे, किस प्रकार नहीं जारी होंगे, पूरी चीज़ें मैंने बता दी है। इस वीडियो में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाया हूँ कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि कल दोपहर का टाइम होता है मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं 12 बजे के लमसम वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि यार कल दोपहर 12 बहुत लेट बजने वाली है, तो मैंने सोचा कि अभी जल्दी से जल्दी जाकर के मेरे सारे सब्सक्राइबरों को बता दूँ, जो मेरे 90,000 सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूँ कि 25 तारीख को CBT मीटिंग होने वाली है, उसमें पेंशन बढ़ोतरी के लिए तारीख फाइनल कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस CBT मीटिंग में तारीख फाइनल कर दी जाएगी कि पेंशनरों को इतनी तारीख मिलने वाली है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कहना था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, डिसलाइक बिल्कुल भी मत करना और प्यारा से कमेंट जरूर करना। मेरी अपडेट 100% सही होती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।